मार्ग को प्रशस्त करता है, व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है जहाँ उसकी मंजिल होती है। तो देखेगा कि जब किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ज्ञानार्जन, सामाजिक उपयुक्तता, मानसिक स्थिरता, सामाजिक समायोजन या व्यवसायिक कार्यकुशलता और व्यवसायिक वृद्धि हेतु सहायता की जाती है, उसमें निर्देशन के किसी न किसी प्रकारात्मक रूप को देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति जब कभी भी किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सामने जब वो ज्ञानार्जन करता है, सावेंगिक उपयुक्तता और मानसिक स्थिरता और सामाजिक समायोजन या व्यवसायिक कार्यकुशलता और व्यवसायिक बुद्धि हेतु सहायता की जाती है, तब उसमें निर्देशन के किसी न किसी कार्य को किसी न किसी प्रक्रियात्मक रूप को देखा जा सकता है, किसी न किसी प्रक्रियात्मक रूप के कार्य को देखा जा सकता है। अतः निर्देशन के जो कार्य होते हैं वो निर्देशन के तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें पूर्वाभिमुखीकरणात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य और समायोजनात्मक कार्य। तो आज हम पूर्वाभिमुखीकरणात्मक कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्वाभिमुखीकरणात्मक कार्य कौन सा होता है। तो देखिएगा, पूर्वाभिमुखीकरणात्मक कार्य निर्देशन, शिक्षा, व्यवसाय, विकास संबंधी लक्ष्यों के प्रति लोगों को पूर्वाभिमुखीकरण प्रदान करता है। यानी कि निर्देशन का जो कार्य होता है वो व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के विकास के क्षेत्र में और साथ में व्यवसाय विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में, यानी कि व्यवसाय के संबंधी लक्ष्यों के प्रति लोगों को पूर्वाभिमुखी प्रदान करता है, लोगों को उनकी तरफ आगे बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि निर्देशन शिक्षा व्यवसाय के विकास में विकास संबंधी लक्ष्यों के प्रति लोगों को पूर्वाभिमुखीकरण यानी कि लोगों को उसके आगे बढ़ाने का कार्य प्रशस्त करता है। शिक्षा व्यवसाय संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण कर यानी कि